दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अल रजी बैंक से रियाद बैंक में आप किस तरह से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी अल रजी बैंक और रियाद बैंक दोनों ही एप्लीकेशन जो है अभी न्यू अपडेट हो चुका है, जिसके चलते पैसा ट्रांसफर करने जो प्रोसेस है वो भी चेंज हो गया है। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अल रजी बैंक से रियाद बैंक में इजिली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलिए और देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो। ओके दोस्तों, मैं अभी आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और मैं बताऊंगा कि अभी आप इस समय अल रजी बैंक से रियाद बैंक में आप किस तरह से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इसी तरह का इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो देखने के लिए। ओके तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं रियाद बैंक एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं। यूजर नेम पासवर्ड डाल के ऐसे जल्दी से लॉगिन कर लेता हूं। बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिक ओटीपी फिल हो जाएगा इसमें। ओके दोस्तों, रियाद बैंक एप्लीकेशन लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करें, अकाउंट एंड कार्ड्स पर क्लिक करें, अकाउंट्स पर क्लिक करें, अभी कॉर्नर पर डिटेल्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपने अकाउंट का सारा डिटेल्स देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर आईबीएन नंबर कॉपी करना है, कॉपी पर क्लिक करें। आईबीएन नंबर कॉपी करने के बाद इसे बंद कर दें। अभी अल रजी बैंक एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओके दोस्तों, मेरा अल रजी बैंक एप्लीकेशन लॉगिन हो गया है। अभी इसमें मेरा बैलेंस 197 रियाल है। एप्लीकेशन लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक करना है, फिर ट्रांसफ़र पर क्लिक करें। सेकंड नंबर में है लोकल बैंक बेनिफिशियरी, इस पर क्लिक करें, अकाउंट पर क्लिक करें। आप कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस अमाउंट को यहाँ पर इंटर कर दें। मैं 150 रियाल यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। इसके बाद सेलेक्ट ए पर्पस पर क्लिक करें। यहां से आप किसी एक ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अभी आप प्लस के निशान पर क्लिक करें। जैसे मुझे रियाद बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है तो मैं यहां से रियाद बैंक सेलेक्ट कर लेता हूं। बैंक नेम इंटर करने के बाद आपने जो रियाद बैंक का आईबीएन नंबर कॉपी किया था उसे यहां पर पेस्ट कर दें। आईबीएन नंबर इंटर करने के बाद अकाउंट होल्डर नेम लिख दें, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अभी आपके सामने अकाउंट आईबीएन नंबर एंड अकाउंट होल्डर नेम तो होने लगेगा, आप इसे चेक कर लें। चेक करने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर दें। आपको अल रजी बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां पर इंटर करें। अभी आपको कॉल मी नाउ पर क्लिक करना है। अभी आपको थोड़ा यहां पर वेट करना है, अल रजी बैंक की तरफ से आपको कॉल आएगा, उस कॉल को आपको रिसीव करना है। कॉल में आपसे कहा जाएगा बेनिफिशियरी कंफर्म करने के लिए वन प्रेस करें, तो आपको वन प्रेस कर देना है। इसके बाद आपका कॉल ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जाएगा।
अभी इस तरह का आपके सामने फुल डिटेल्स शो होने लगेगा। पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको यहाँ पर चार्ज लगेगा, वैट 8 हलाला है एंड फी 50 हलाला है, मतलब आपको पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए 58 हलाला चार्ज लगेगा। अभी कंफर्म पर क्लिक कर दें। ओके दोस्तों, मेरा अल राजीव बैंक से रियाद बैंक में 150 रियाल ट्रांसफ़र हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए 58 हलाला का चार्ज भी देना पड़ा है। अभी चलते हैं बैक। ओके दोस्तों, मेरे यहाँ से अमाउंट कट गया है, मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ गया है 150 रियाल ट्रांसफ़र का। ओके तो चलिए अब इसे लॉग आउट कर देते हैं और चलते हैं रियाद बैंक एप्लीकेशन में, देखता हूँ वहाँ पर पैसा आया है या नहीं। यूजर नेम पासवर्ड डाल के से दोबारा लॉग इन कर लेता हूँ। ओके, मेरा रियाद बैंक एप्लीकेशन लॉग इन हो गया। चलिए यहाँ पर अमाउंट चेक कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अल राजीव बैंक से रियाद बैंक में मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। आई होप दोस्तों अभी आप आसानी से अल राजीव बैंक से रियाद बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।